आग लगी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल, मैं कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। तो जी गुड मॉर्निंग है तो मेरी तरफ से सबको, और जी आप देख सकते हैं सुबह की अजानें हो रही है हमारे पास। इस टाइम यहाँ पर सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं सुबह से उठती हूँ। तो जी ये नीचे भी आप देख सकते हैं फर्श बिल्कुल गीला है, क्योंकि रात को हमारे यहाँ बारिश हुई है, बहुत ठंड हुई है, बहुत सर्दी हुई है। मैंने सोचा ठंड और सर्दी की रूटीन आज आपसे शेयर की जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो आज की मैं अपनी रूटीन आपसे शेयर करूँगी। तो जी पहले तो आप नीचे देखिए सारी बारिश है, कपड़े भी अभी भी हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है, और रात को सारी बहुत ज़्यादा बारिश थी। देखिए पूरा सीजन जो है गीला आपको नजर आ रहा है। तो जी फजर का टाइम हो गया है, तो मैं सबसे पहले जो है नमाज अदा कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी के जो काम है वो भी आपको करके दिखाऊंगी कि सुबह सर्दी में हम उठकर क्या क्या करते हैं। है पानी बहुत ठंडा है, अभी मौसम भी है थोड़ा सा, अभी आना होना क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सर्दी लगी हुई ठंडे पानी सर्दी करके मैं मोटी बन कर रही थी। तो आपको आसानी की वासी भी आई होंगी कि हमारे पास सुबह सुबह का टाइम है, सुबह फजर की आजानी होगी, तो इसलिए मौत देखें हर कोई अपने बिस्तरों में समय बहुत सर्दी कर रही है। नमाज ये मैंने अदा करी है, अब जो है मैं देखूँगी काम शाम जो रहते हैं मेरे, सुबह सुबह के काम होते हैं वो मैं करूँगी। बर्तन काफ़ी सारे गर्म होने वाली है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। सर्दी की वजह से चूल्हा जो है मैंने कमरे में रखा हुआ है, और जी गैस भी आ गया है, पहले फ्लेम जलाती हूँ कि सब्जी बहुत है। गैस जो है अभी आया है, इसकी
तुम्हें अगर अभी सामान उठा कर बाहर आती थी, क्योंकि रात में जो है इतनी सर्दी होती है कि हर चीज़ नहीं पड़ी जाती है। हाँ जी, तो देखिए आप हमारे पास गैस के भी आ गए हैं, कुछ बर्तन धोने के बाद मैं फिर चाय बनाऊंगी। तो ये दूध, तो दूध कीजिए, मैं अभी चाय बनाऊंगी और ये मैं इसी में थोड़ा सुबह का हल्का फुल्का सा नाश्ता करती हूँ। आग लगी है, अभी चाय बना रही थी तो ये कपड़े को आग लग गई है, ये सारा कपड़ा जो है जल गया है। थैंक गॉड के पूरे इधर ऊपर तक आग नहीं गई, जल्दी से जो है घर में आग बुझा दी है। ये देखिए कितना सारा जल गया था। अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए हैं और सोफ़ा भी बच गए हैं, इसको ज़्यादा आग नहीं लगी। तो जी ये आप देख सकते हैं सोफ़ा भी यहाँ से थोड़ा सा जल गया है और ये कपड़ा तो काफ़ी ज़्यादा जल गया है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तो हमारी चाय भी बन के तैयार हुई। तो नाश्ता मैं कर रही हूँ लेकिन अभी बाहर बादलों की वजह से सुबह नहीं हुई, दिन जो है नहीं नजर आ रहा, फिर वही रात तक भी है। रोने से क्या होगा, खैर है, बस बचत हो गई है, ये शुक्र है आपको नहीं लगी। छोटी छोटी बातें दिल पे नहीं ली जाती। कोई बात करें,